देखिए, जो हाथरस मूवी कोई मामूली घटना नहीं थी। दलितों पर, दलित महिलाओं पर जो अत्याचार की घटना, उनकी हत्याओं की घटना, वो तो रोज है। और वो केवल हाथरस में नहीं, पूरे प्रदेश भर में निरंतर सब हो रहा है। लेकिन उसके बाद जब लोगों को एहसास हुआ कि जिंदा रहते हुए भी सम्मान नहीं दे सकते और मरने के बाद जो अंतिम क्रिया करते समय भी सम्मान ये सरकार नहीं दे सकती है। निर्भया कांड हुआ था, उसे कम नहीं किसी तरह से। इसलिए उबाल है, पूरे देश में उबाल है। कांग्रेस पार्टी ने इसको व्यापक पैमाने पर धरना प्रदर्शन किए हैं। आज हमारे नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी, उनके अगुवाई में कांग्रेस पार्टी का एक दल हाथरस के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उनको रोका गया, हवाला दिया गया कि 144 लगी है 188 के अंतर्गत। आदरणीय राहुल जी ने कहा कि मैं अकेला जाऊंगा, चले जाऊंगा, उस पर तो 144 नहीं लगेगी। फिर भी कहा कि नहीं, ये फिर आप नहीं जा सकते। जबरदस्ती धक्का मुक्का किया गया उनको, धक्का किया गया, चोट पहुंचाई गई। तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये जितने प्रजातांत्रिक मर्यादाएं हैं उसको तार तार कर दे रहे। और अगर इनको ये लग रहा हो कि ये हमेशा सत्ता में रहेंगे तो पूरे गलत फहमी में है। कांग्रेस पार्टी की भी सरकार रही है तो कभी इस तरह का नहीं हुआ। जाते थे अपना, वहाँ पर मिलिए, जो मिलना चाहे मिले। और लेकिन आज हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट करके कहा है कि राज समझ में आया कि क्यों नहीं जाने दे रहे। डीएम जाके और पीड़िता के परिवार को धमका रहा है, उनसे कह रहा है कि मीडिया वाले तो आएंगे चले जाएंगे लेकिन हम हमेशा साथ रहेंगे, तो हम जो कह रहे हैं वही बात मानी जाए। शर्मनाक घटना है, शर्मनाक घटना है। और निरंतर इस तरह से जारी रहेगा। और जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के साथ में धक्का मुक्की की गई, उनको पुलिस ने धक्का मार के गिरा दिया गया, तो ये ऐसे एक साधारण घटना नहीं है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,